नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। धार से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज कुक्षी से 2, पीथमपुर से 3 और धार से 4 रिपोर्ट आने के बाद 9 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद 19 लोग कोरोना पॉजिटिव की चपेट में आ गए। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। धार जिले के अंदर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज 19 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की चपेट में आ गए हैं। धार जिले से 2, कुक्षी से 3, पीथमपुर से धार 4 से कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। इसलिए अभी तक कुल मिलाकर 19 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की चपेट में आ गए हैं। कैमरा पर्सन सद्दाम खान के साथ अल्ताफ खान, धार। धार जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज 9 व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद धार में अब 19 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कैमरा पर्सन सद्दाम खान के साथ अल्ताफ खान, धार। देखिए, धार जिले में अभी तक कोरोना के 19 पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। पहले 10 थे, आज नए 9 पॉजिटिव केसेस जुड़ गए हैं। इसमें 3 पीथमपुर के हैं, 2 कुक्षी के हैं और 4 धार के हैं। देखिए, इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव केसेस आज पाए गए हैं वो सभी हमारे अस्पताल में थे, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे, जिनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, जिनका ट्रीटमेंट पहले से ही चल रहा है। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, पहले यहाँ पे पॉजिटिव केसेस स्टाफ नर्स के निकले हैं। इस कारण से जितने भी हमारे स्टाफ थे जो संदिग्ध थे, इनके सैंपल्स लिए गए थे, एक भी स्टाफ को हम अभी हॉस्पिटल में अलाउ नहीं किया है। सभी को हमने रिप्लेस किया है और वो भी स्टाफ जो है होम आइसोलेशन पे नहीं भेजा है, उनको भी इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में भेजा है। हमने होटल एक्वायर करके वहीं पे भेजा है तब तक उनका पूरा सैंपल पॉजिटिव या नेगेटिव ना आ जाए। हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो हमारे जो सफाईकर्मी है, क्योंकि सफाईकर्मी के द्वारा भी ऐसा आया है कि हॉस्पिटल में थोड़ा उससे फैलाव हुआ है, संक्रमित हुए हैं, तो हमारे चाहे नगर पालिका में ये जो गांधी नगर कॉलोनी से जो भी सफाई कर्मी है, चाहे वो नगर पालिका में काम करते हो, हॉस्पिटल में काम करते हो, उन सभी को भी हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है और उनको भी सभी को हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जितना भी संभव है उनको रखेंगे और बाकी सभी को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और उन सभी को भी समय समय पर मॉनिटरिंग किया जाएगा कि उसके सख्ती से पालन हो रहा है कि नहीं है। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।